नमस्ते दोस्तों। एक सुनसान रेगिस्तान में एक हरा भरा वृक्ष था। इस वृक्ष पर हजारों की संख्या में चिड़िया रहती थी। चूंकि इनके अलावा वहां पर कोई दूसरा खतरनाक पक्षी मौजूद नहीं था, इसलिए वो पूरी तरह स्वतंत्र थी। उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं था। वो यहां पर पूरी तरह प्रसन्न थी। लेकिन एक दिन एक अजगर अपने परिवार के साथ इस वृक्ष के पास पहुंचा। चिड़ियाओं ने पहली बार इस तरह का सरीसृप देखा था। उन्हें नहीं पता था कि यह उनके लिए खतरा है या उनके लिए मित्र है। लेकिन बावजूद इसके इन चिड़ियाओं ने उसे देखकर चहचहाना शुरू कर दिया। लेकिन अजगर बेहद ही दुष्ट और चालाक था। अजगर ने चिड़ियाओं से कहा कि उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है। वह यहां से गुजर रहा था और काफी ज्यादा थक गया है और उसका परिवार भी थका हुआ है, इसलिए कुछ दिन के लिए उसे इस पेड़ पर शरण दे दो। वो उनके लिए कोई भी खतरा नहीं बनेगा। चिड़िया भोली थी और दयालु भी थी। उन चिड़ियाओं को उस पर तरस आ गया और अनचाहे ही उन्होंने अपने लिए एक खतरे को आमंत्रित कर लिया। उन्होंने अजगर और उसके परिवार को उस वृक्ष पर शरण दे दी और यहीं से उन चिड़ियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। अजगर और उसके परिवार ने चिड़ियाओं के जो बच्चे वहां पर रहते थे उन्हें भोजन बनाना शुरू कर दिया। पहले तो चिड़ियाओं को इसकी खबर नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई का पता लग गया। जब सच्चाई का पता लगा तो अजगर और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। चिड़ियाओं में घबराहट फैल चुकी थी और उन्हें पता लग चुका था कि जिन्होंने उसे शरण दी थी वो कितना खतरनाक जानवर है। अब अजगर पूरे वृक्ष पर आजादी से विचरण करने लगा। जिन शाखाओं पर कभी चिड़िया चहचाती थी उन शाखाओं पर अजगर का कब्जा हो गया। चिड़िया शाखाएं छोड़कर डालियों पर आ गई। वो इस हालत में नहीं थी कि कहीं दूर जा सके या इस वृक्ष को छोड़ सके। इसी वृक्ष पर उनका जन्म हुआ था और इसी वृक्ष पर उनकी यादें जुड़ी हुई थी। उनके लिए कोई दूसरा ऐसा वृक्ष भी नहीं था जहां पर वे जा सके। उनके लिए जीवन और मरण इसी वृक्ष पर होना था। लेकिन एक बारी ने इस वृक्ष पर कब्जा कर लिया था। चिड़िया प्रार्थना कर रही थी कि कोई आए और इस अजगर से उनकी रक्षा करे। तभी कुछ ही दिनों बाद एक गिद्ध भी वहां पर आ बैठा। गिद्ध एक बड़ा पक्षी था और चिड़ियाओं ने पहली बार इस तरह का बड़ा पक्षी देखा था। उन्हें लगा कि शायद यह अजगर से उनकी रक्षा करेगा। लेकिन गिद्ध अजगर से भी ज्यादा खतरनाक था। उसने भी चिड़ियाओं को अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। अब अजगर और गिद्ध इन दोनों की खुराक चिड़िया बनने लगी। चूंकि चिड़िया हजारों की संख्या में थी, इसलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी आबादी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चिड़ियाओं को महसूस हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तब भी इस उम्मीद में थी कि कोई ऐसा आएगा जो इन दुष्टों से उनकी रक्षा करेगा। गिद्ध और अजगर का पेड़ पर पूरी तरह कब्जा हो चुका था। इसके कुछ ही दिनों बाद कौवे का सरदार अपने एक झुंड के साथ इस पेड़ पर आया। गिद्ध और अजगर ने उन्हें भगाने की वहां से बहुत कोशिश की, लेकिन कौवा बहुत ही जिद्दी प्राणी होता है और वो बड़ी संख्या में आए थे, इसलिए वो वहां से नहीं गए। कौवे के सरदार ने अजगर और गिद्ध को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की तो वह खुद ही उन पर हमला कर देंगे और उन्हें वहां से भगा देंगे। चूंकि गिद्ध की ज्यादा बड़ी संख्या नहीं थी और अजगर भी इतना ताकतवर नहीं था जो वो कौवे से मुकाबला कर सके, इसलिए गिद्ध और अजगर ने कौवे का वहां पर रहना स्वीकार कर लिया। कौवा बेहद ही शातिर और चालाक प्राणी था। उसने गिद्ध और अजगर को कहा कि वो उसके साथ मिलकर रहे और आराम से इन चिड़ियाओं का शिकार करे। वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन सारा कार्य एक प्लानिंग के तहत होना चाहिए। अगर वो सीधे इन चिड़ियाओं पर हमला करते रहेंगे तो एक दिन ये चिड़िया इस वृक्ष को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि जान सभी को प्यारी होती है। तो गिद्ध और अजगर ने कौवे की बात मान ली।
लेकिन एक खतरा और इस वृक्ष की तरफ बढ़ रहा था। कुछ चिड़ियाओं ने कौवे को आकर खबर दी कि कुछ दीमक पेड़ की तरफ आ रही है, अगर वो दीमक इस पेड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गई तो ये पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौवे ने कहा कि चिंता मत करो, मैं दीमक से इस वृक्ष की रक्षा करूंगा। तो कौवे ने अपने झुंड के साथ दीमकों पर हमला कर दिया जो पेड़ की तरफ बढ़ रही थी, और इसमें से बहुत सारी दीमक को या तो मार डाला या कुछ वापस भाग गई। इससे चिड़ियाओं का भरोसा कौवे पर और ज्यादा बढ़ गया। अब अजगर, गिद्ध और कौवा तीनों मिलकर ही चिड़ियाओं का शोषण कर रहे हैं। हैरत की बात यही है कि चिड़ियाओं को अब भी इसकी भनक नहीं है। वो अब भी यही सोचती है कि जो उन्होंने अपना राजा कौवे को नियुक्त किया है वो उनका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, जबकि उसने गिद्ध और अजगर से गठबंधन कर लिया है। इस कहानी का अंत क्या होगा ये पाकिस्तान बता सकता है, क्योंकि वहां की जो चिड़िया आबादी है यानी तैमंदबाज है, उन्होंने पहले सेना पर भरोसा जताया, फिर राजनीतिकों पर भरोसा जताया, कभी मीडिया पर भरोसा जताया, लेकिन ये तीनों ही मिले हुए हैं और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ये वहां की तैमंदबाज जो कौम है उसी को चूना लगा रहे हैं। तैमंदबाज सोचते हैं कि उनकी जो आर्मी है वो उनकी रक्षा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो राजनेताओं और मीडिया तीनों से मिले हुए हैं। ये तीनों ही लोकतंत्र के स्तंभ है और तीनों एकजुट हो चुके हैं, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? जनता। पाकिस्तान में जो चल रहा है वो इस कहानी से पूरी तरह मेल खाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।